हेलो दोस्तों, आज के इस वीडियो में हम आपको उड़ीसा और उड़ीसा में मनाए जाने वाले कुछ खास त्योहारों के बारे में बताएंगे जो बड़े ही धूमधाम, आदर्शों और पारंपरिक तरीकों से मनाए जाते हैं। वीडियो शुरू होने से पहले हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा और साथ ही बेल आइकन को दबाना भूलिएगा नहीं। तो चलिए बिना वक्त गवाए वीडियो को स्टार्ट करते हैं। उड़ीसा, जिसे पहले उड़ीसा के नाम से जाना जाता था, भारत के पूर्वी तट में यह स्थित एक राज्य है। उड़ीसा की स्थापना 1 अप्रैल 1936 को हुई थी। इस राज्य के अधिकांश नागरिक उड़िया भाषी हैं। हालांकि उड़ीसा में समग्र विकास होने की वजह से हिंदी और इंग्लिश बोलने वालों की कमी नहीं है। उड़ीसा की राजधानी भुवनेश्वर है और यह भारत का 9वां बड़ा राज्य है। यह राज्य अपने समृद्ध परंपरा, त्योहार, मंदिरों का शिल्प, शास्त्रीय नृत्य आदि से जाना जाता है। उड़ीसा में खूबसूरत नकाशी मंदिर होने के कारण इसे मंदिरों की धरती के नाम से भी जाना जाता है। यह दुनिया का सबसे धार्मिक राज्यों में से एक माना जाता है। उड़ीसा में 12 महीने में 13 पर्व मनाया जाता है, हालांकि इससे भी ज्यादा मनाए जाते हैं। तो आइए जानते हैं उनमें से कुछ 5 अधिकतर मनाए जाने वाले त्योहारों के बारे में। नंबर 1, रथ यात्रा। यह उड़ीसा का सबसे धार्मिक और पवित्र त्योहार माना जाता है। हर साल उड़ीसा के पूर्वी तट पर स्थित पुरी में भगवान जगन्नाथ जी की रथ यात्रा का उत्सव पारंपरिक रीति के अनुसार बड़े ही धूमधाम से आयोजित किया जाता है। इस दौरान रथ को अपने हाथों से खींचने से व्यक्ति को मोक्ष की प्राप्ति होती है। यह त्योहार आषाढ़ शुक्ल पक्ष की द्वितीया से आरंभ करके शुक्ल एकादशी तक मनाया जाता है। रथ यात्रा में भगवान श्री कृष्ण, जिन्हें जगन्नाथ भी कहते हैं, इनके भाई बलराम और बहन सुभद्रा के रथ लकड़ियों से बने होते हैं। जगन्नाथ जी के रथ को गरुड़ ध्वज या नंदी घोषों के नाम से जाना जाता है। उनके बड़े भाई बलराम जी के रथ को तल ध्वज और सुभद्रा जी के रथ को देव दलन के नाम से जाना जाता है। रथ यात्रा के पहले दिन भगवान जगन्नाथ, बलराम और बहन सुभद्रा का रथ जगन्नाथ मंदिर से कुछ ही दूर पर स्थित उनके मौसी का घर यानी कि गुंडीचा मंदिर तक खींच कर लाया जाता है और अगले 7 दिन तक यही निवास करते हैं। इसके बाद आषाढ़ शुक्ल दशमी के दिन वापसी की यात्रा की जाती है, जिसे बाहुड़ा यात्रा कहा जाता है। उड़ीसा की सांस्कृतिक झलक देखना हो तो भगवान जगन्नाथ जी की रथ यात्रा से बेहतर कोई समय नहीं हो सकता। नंबर 2, रज पर्व। उड़ीसा में इसे रज संक्रांति के रूप में जाना जाता है। 4 दिन का यह त्योहार, जिसमें कई दिलचस्प गतिविधियां होती हैं। यह पर्व को मिथुन या मिथुना नामक एक नक्षत्र में सूर्य के घूमने के अवसर पर मनाई जाती है। यह उड़ीसा में कृषि वर्ष की शुरुआत के साथ साथ रज पर्व के रूप में जाना जाता है। विशेष रूप से इस त्योहार को मनाते हुए आधिकारिक तौर पर लोग पहली बार बारिश का स्वागत करते हैं। पृथ्वी या भूदेवी भगवान विष्णु की पत्नी थी, जो प्रारंभिक 3 दिनों की अवधि को कवर करने के लिए मासिक धर्म का अनुभव करने के लिए जाना जाता है। 4 दिन का यह त्योहार पहले दिन के साथ शुरू होता है, जिसे पहली रज या पहली रोजा के रूप में मनाया जाता है। कई परंपराएं ऐसी हैं, जैसे कि राम डोली, दांडी डोली और कई नामों से झूला झूलते हैं। 2रे दिन के रज को मिथुन संक्रांति कहा जाता है। बासी रज 3रे दिन है, जो मासिक धर्म की अवधि पूरी करता है, इसलिए इस दौरान उनको आराम करने की जरूरत होती है। इन 3 दिनों में कटाई, बोआई या जमीन से जुड़े किसी भी तरह का कोई भी काम नहीं किया जाता। घर के लड़कियों और औरतों को भी इन 3 दिन तक आराम दिया जाता है। इन 3 दिनों में लड़कियां नए कपड़े और गहने पहनती हैं, सजती हैं और झूला झूलती हैं। रज में पान खाना भी ट्रेडिशन का एक हिस्सा है। उड़ीसा का विशेष व्यंजन है पिठा। चावल से बनी हर मीठी नमकीन व्यंजन को पिठा कहते हैं, जो हर त्योहार में बनाई जाती है, जैसे कि पोड़ो पिठा, चौकुली पिठा, आरिसा पिठा। यह लिस्ट खत्म ही नहीं होती है। उड़ीसा एक ऐसा राज्य है जो मासिक धर्म और नारीत्व के सम्मान पर यह त्योहार मनाया जाता है, जो कि बड़े ही गौरव की बात है।
नंबर 3, नुआखाई। नुआखाई पश्चिम ओडिशा की किसानों द्वारा मनाए जाने वाला एक बहुत ही मुख्य त्योहार है। नुआ का मतलब होता है नया और खाई का मतलब होता है खाना, यानी कि उस वर्ष का नया चावल प्रथम बार सभी लोग खाते हैं और अपने अच्छे फसल की खुशी में मनाया जाता है। यह त्योहार अब पूरे ओडिशा के साथ साथ अन्य राज्यों में भी मनाया जाने लगा है। पश्चिम ओडिशा में इस त्योहार को ना सिर्फ किसान बल्कि बड़े से छोटे हर कोई घर के लोग धूमधाम से मनाते हैं और देवी देवताओं की पूजा करते हैं, साथ ही साथ अपने पूर्वजों को भी याद करते हैं। नुआखाई पर्व को मुख्य रूप से ओडिशा के संबलपुर, झारसुगुड़ा, सोनपुर, नुआपाड़ा जिला में बड़े तौर पर मनाया जाता है। नुआखाई त्योहार 9 रंगों या रस्मों रिवाजों में पूरा होता है। नंबर 4, प्रथमाष्टमी। यह पर्व ज्येष्ठ संतान के पर्व के रूप में धूमधाम से मनाया जाता है। प्रथमाष्टमी पर ज्येष्ठ संतान को नए कपड़े पहनाकर माँ उनकी वंदना कर उसकी सुख समृद्धि की कामना करती हैं। इस पर्व में हल्दी पत्ते पर लपेटकर विशेष प्रकार का पीठा तैयार किया जाता है, जिसे ओडिया में इंदूरी पीठा व हल्दी पीठा कहा जाता है। ओडिया परंपरा के अनुसार ज्येष्ठ संतान को नए कपड़े देने की जिम्मेदारी मामा घर का होता है। इसमें सामाजिक व पारिवारिक बंधन, अनुशासन, आदर्श बोध समाहित है। नंबर 5, चंदन यात्रा। वैशाख अक्षय तृतीया के दिन से शुरू होने वाले इस चंदन लेप की परंपरा को चंदन यात्रा के नाम से जाना जाता है। इस दिन विश्व भर में भगवान श्री कृष्ण को चंदन लेप लगाया जाता है। भगवान को चंदन की शीतलता देकर भक्त उनसे अपने तपों को हरने का निवेदन करते हैं। यह उत्सव 21 दिन ज्येष्ठ कृष्ण अष्टमी तक चलता है। तो दोस्तों, ये थे ओडिशा में मनाए जाने वाले कुछ त्योहारों के बारे में जो ओडिशा के हर कोने कोने में मनाए जाते हैं। अगर आपको वीडियो पसंद आया तो इसे लाइक और अपने दोस्तों के साथ शेयर करना भूलिएगा नहीं। थैंक यू।